दीवार कहाँ से दिखाई देगी, खाली हरा भरा कर दिया कलर। इसकी भी अभी सांस फूल गई है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई मीन ब्लॉग तो पुराना ही है बट उसका सेकंड पार्ट है। जैसे कि पहले पार्ट में हम लोगों ने आपको बताया कि जम्मू टू कटरा हमारी जर्नी थी, वो आप लोगों ने शेयर की तो बताया। तो अभी सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे कटरा से सीधा अर्धकुंवारी पे, ठीक है, जहाँ पर माता वैष्णो देवी अर्धकुंवारी है ना, वहाँ पर हम लोग जाएंगे और वहाँ तक का आपको जो भी सफर में जो भी मिलेगा आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करते रहना और कमेंट में जय माता दी भी लिखते रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और पता नहीं आगे के ब्लॉग धीरे धीरे आपको सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज कटरा से अर्धकुंवारी का ब्लॉग आपसे बताएंगे, ठीक है, बने रहिए वीडियो। सो गाइस, यही है मेन, मतलब हम लोग अभी माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं। तो यही मेन गेट है, मेन एंट्री जिसे बोलते हैं ना, प्रवेश द्वार। नहीं नहीं ठीक है, मेरे पास भी बच्चे हैं। तो यही है मेन एंट्री, जहाँ पे देखो फूलों के साथ कितनी प्यारी सजावट की हुई है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा, मतलब जितना बोलो उतना कम है। माई बर्ड्स आर एम्प्टी, मेरे मुँह में कोई बर्ड नहीं है इसके अवार्ड बोलने के लिए। इतना प्यारा और इतना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ पे। ये रियल फ्लावर है, बिल्कुल सही बात है, ये रियल फ्लावर है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये बिल्कुल एकदम से रियल फ्लावर है। जहाँ पे हमारी चेकिंग होगी उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये वही है ना जहाँ पे गुलशन कुमार जी का लंगर लगता है, यहाँ पे सामने लिखा भी है। हाँ लिखा, तो गाइस आपको ये भी बताते हैं, ये देखो गुलशन कुमार का, गुलशन जी का लंगर नीचे, मतलब 24 घंटे लंगर चलता रहता है यहाँ पे। जहाँ पे दुकान भी है छोटी सी, मार्केट मतलब एक दुकान है पानी वगैरह के लिए, तो जहाँ पे जूते खोल के बंदा वो शेड वगैरह। चलो फिर आ जाओ, आ जाओ। तो जहाँ पे ये खच्चर पॉइंट, मतलब इसके ऊपर बंदा बैठ के जा सकता ऊपर, और ये इनका वो बुकिंग काउंटर लगा हुआ जहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। पालकी भी है जहाँ पे, मतलब वो ये इसे पालकी बोलते हैं, ये जो उठा के लेके आया पालकी, यही तो ये ही है पालकी है ना। और अभी चलते हैं आगे, स्लिप बहुत हो रहा है पैरों में यार, पैर स्लिप हो रहा है, जल्दी आ जा। सो गाइस जहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे बाल गंगा है, तो जब हम सुबह दर्शन करने के बाद वापस आएंगे तो आपको बाल गंगा के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे। जहाँ पे देखो कितनी अच्छी पार्किंग सी बनी हुई है, छोटे छोटे स्टैचू भी है। हम लोग एक्चुअली ऊपर से दिखा रहे हैं आप लोगों को, वो देखो एलिफेंट के स्टैचू है गणपति पप्पा की तरह, बहुत ही प्यारा। नीचे नीचे भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हमने आपको बोला ना कि पाँच से लेके दस तक ब्लॉग तो आज 10 पार्ट तो बनेंगे आज जहाँ के, तो इसलिए हम लोग आपको ये बताते हैं। देखो लोग कितने खुश है जहाँ पे, आगे ढोल भी बज रहा है, अभी नाचेंगे उधर, देखते हैं थोड़ा। कितनी है 425 जहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो अब सबसे बड़ी कहाँ पे होगी अभी अभी इससे वो 500 क्या पता, 1000 वाली भी आती है, 800 वहाँ हमें पक्का पता नहीं है। अभी 425 ये सीढ़ियाँ आई हैं अभी इसकी, तो कुछ नहीं करती यार। ये देखो पानी यहाँ पर, जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति, जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे इतना क्राउड क्यों कम है, क्योंकि लोग सीधे रास्ते से जा रहे हैं, सीढ़ियों से बहुत ही कम जा रहे हैं ना, थोड़ा कम नहीं लेते हैं लोग सीढ़ियों से जाने से, कईयों को पता भी नहीं होता इस रास्ते का। जय माता दी, जय माता दी। अभी से टांगे दर्द करने लगी, अब जाके क्या, अभी कितनी 100 पूरी हुई है, 425 है। ये जो आप देख रहे हो ना, इससे भी नीचे है एक और, उधर से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी आगे अभी। सो गाइस बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, हमने जो आपको बताया 425 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग ऊपर थोड़ा बहुत रास्ता कवर करेंगे, लेकिन जी देखो इसकी भी अभी सांस रुक गई है, ये भी अभी बैठा भी कुछ बोला भी नहीं जा रहा, बहुत ही बुरी हालत है भाई। अभी ये सामने से आप लोग देख रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं, टावर के भी बहुत ही ऊपर है हमारी माता जी, तो अभी वहाँ पे जाना है, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। चल यार जल्दी जा, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। देखा हूँ पानी की बोतल लेके ले लें रास्ते में से, प्यास भी बहुत ही लग रही है भाई यार। तो जहाँ पे भी ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, सो अभी क्या बोलते हैं 425 सीढ़ियाँ पूरी करने के बाद हम लोग अभी ऊपर पहुँचे। ये वाले इधर से है ना, हम लोग इस सीढ़ियों से आए हैं ना हम लोग, वो गाइस वो बहुत ही लंबी, अभी तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना कि हम लोग
क्या बोलूं यार, अभी भाई हमारी और जहाँ पे रेस्टोरेंट भी काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। अभी तो थोड़ा रास्ता भी थोड़ा गीला हो चुका है, मैं भी थोड़ी बारिश पड़ी हुई यहाँ पे। अंदर से रेस्टोरेंट का व्यू आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सारा प्यारा भी है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको और कुछ। अभी थोड़ा ऐसा प्लेन थोड़ा रास्ता है ना, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। सीढ़ियों से तो हमारी तो मात ही मर गई थी, टांगों में इतनी ज़्यादा मतलब इतनी टाइट होगी जैसे रेगिस्तान में पानी आ गया होगा, हमारे लिए ऐसे लगा बहुत ही ज़्यादा। ओके जी, तेरी कटरा देखो, कटरा सिटी। तो जहाँ से आप लोग कटरा सिटी देख सकते हो, वहाँ से बिल्कुल हम लोग आए थे। ये सिटी बहुत ही प्यारी लग रही है। हम लोग तो पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन सीढ़ियाँ हमारी स्टार्ट हुई थी वो सामने वाला जो वो वाइट कलर की टीन नहीं दिखाई दे रही लोहे की, वहाँ से हमारी क्या बोलते सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई थी। तो जहाँ पे आके हमने थोड़ी उससे एंड कर दी, में भी एक दो किलोमीटर का डिफरेंस बढ़ गया होगा, मतलब थोड़ा कम हो गया। नहीं, एक किलोमीटर तो सीढ़ियाँ थी खाली, वही तो बोला एक डेढ़ किलोमीटर होगी, एक किलोमीटर कहाँ। तो वो वाला मंदिर भी काफ़ी पुराना है, जहाँ पे बोलते हैं 100 फीट का नाग रहता है, जो बहुत पुराने रहते हैं और बाणगंगा में पानी पीने के लिए आते हैं। तो बाणगंगा जब वापस आएंगे ना ऊपर से दर्शन करने के बाद, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल हमारा प्लान है, चल चल। तो तू जो ऊपर से लोग आ रहे हैं उनकी हालत देख रहे हैं, उनसे चला नहीं जा रहा, मतलब ऐसे लगता है कि पाँव में छाले पड़ गए हैं। तो ये जहाँ पे घोड़े ही बोलते हैं वो तेरी, वो ऊपर नहीं आने दो भाई, कहाँ पे आ रहे हैं ये लोग, वो तेरी। कितना घोड़ा है, कितने बड़े बड़े घोड़े हैं, ऐसे खच्चर बोलते हैं भाई। तभी डोगरी लैंग्वेज में 426 पौड़ियाँ थी ना वो, रोकना कहाँ पे जा रहा है, 426 सीढ़ियाँ थी वो, 426। और ये वाली कितनी है, मतलब 100+ होगी उसमें। तो पहले 426 में जाते जाते हमारे तो पसीने निकल गए थे, तो इस बार क्या क्या निकलेगा, ब्लीडिंग ना हो जाए पता नहीं चल रहा भाई, गॉड सीरियसली। सो गाइस आप लोग देख सकते हो काफ़ी, वो देखो वो झूला, वो देखो घूम रहा है वो खंभे के ऊपर, बिल्कुल सीधा सीधे। अभी यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कमी है ऊपर, तो सो यू कैन सी नीचे क्राउड आप लोग देख सकते हो, और ऊपर का आप गैस ही कर सकते हो तो कितना ज़्यादा क्राउड होगा। सो गाइस हमारा ये वाला ब्लॉग एक्चुअली अर्धकुंवारी तक होगा, तो अर्धकुंवारी आप लोग जानते ही हैं माता का, मतलब माता के दर्शन करने के लिए नीचे से लेके ऊपर तक का जो आधे का रास्ता है ना, उसको अर्धकुंवारी बोलते हैं, आधा ही है ना वो। हाँ, तो वहाँ तक हम ये वाला ब्लॉग स्किप कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करेंगे। ठीक है, वीडियो बना रहे हैं यार, तो एक लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना यार। ठीक है गाइस, जय माता दी, और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना, जय वैष्णो देवी के नवरात्रि है ना, तो इसलिए चलो 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 चलो, नो प्रॉब्लम। अभी थोड़ा जाने दे ऊपर, उसके बाद तुझे बैग दे देता हूँ मैं, क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, 40 किलो का खाली बैग है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने जो बैग डाला हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये भाई पहनेगा ना, अभी दिखाता हूँ कितना भारी बैग है। वो तेरी 40 किलो, पकड़ पकड़ जल्दी पकड़, इसको पकड़, नहीं उठाया जा रहा। सो गाइस देख सकते हो भाई से ये बैग भी नहीं उठाया, सो गाइस आप लोग देख सकते हो भाई से ये बैग भी नहीं उठाया जा रहा, भाई से बड़ा बैग है ये लग रहा मुझे। सो यू कैन सी सामान कम कैरी करें भाई, यहाँ पे आने के लिए सामान थोड़ा कम ही होना चाहिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। देखो ना हमारे पास सामान कितना ज़्यादा है, कहाँ से आए, हेलो के लिए मनोकामना पूरी करें आपके सारे, हेलो हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। ठीक है जी, बिल्कुल ही जहाँ से आप लोग प्रसाद भी ले सकते हो, यहाँ का लाइटिंग वगैरह देखो कितनी प्यारी है, काफ़ी प्यारी लाइटिंग है यहाँ पे है ना। इधर दुकान से बीचों बीच से होते हुए जाना पड़ेगा अभी। ऊपर फिर से देर आ गया, देखिए वही मार्केट खत्म हो गई, इसीलिए भाई ओ यार ये तो जल्दी खत्म हो गया, वो 426 वाली को टाइम लगा था, इसमें को टाइम भी नहीं लगा, लेकिन ये ना छोटी छोटी स्टेप है, वो लंबे लंबे स्टेप थे, लेकिन इसका जो स्टेप है वो बड़ा भी था ना, भी तो ये वाला खत्म हो गया। अभी चलो थोड़ा आगे जाके बैठे गए, उधर शेड बना हुआ ना एक, उधर जय माता दी। जय माता दी।
दे रहे हैं। तो ये देखिए हमारे मतलब गांव के उधर के लड़के मिल गए अपने एरिया के, तो ये अभी ऊपर ही जा रहे हो ना अभी? हाँ। कितने टाइम से नीचे, कितना टाइम हुआ नीचे से ऊपर आते हुए? एक घंटा हो गया अभी, डेढ़ घंटा। अभी थके हो थोड़ा बहुत जाए ऐसे ही? अभी काफ़ी एक्टिव तरीके से ये चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं थके जी हैं। चलो चलो फिर आगे आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। कौन? भाई जहाँ से पर्ची कटवानी है ना, जो मेन मेन पर्ची कटवानी, लेकिन उसके लिए लाइन देखो खाली अधिकारी के लिए, जो अंदर गर्भ जून है ना उसके लिए, उसके लिए गर्भ जून के लिए अलग से पर्ची कटवानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए लाइन देखो आप लोग, जहाँ का व्यू तो इतना प्यारा, लेकिन इसके साथ साथ लाइट चार बार घूम के आने पड़ेगी, अंदर जाके घूम के जाना पड़ता है चार बार। ये मतलब लाइन इधर से जा रही है, ये काफी सारे जो लोग बैठे, ये बेटिंग के लिए बैठे होंगे ना, बेटिंग के लिए बैठे, क्राउड कितना यार देखो जहाँ पे, सच में बहुत ही ज्यादा क्राउड है गाइस, ओ माय गॉड। अभी मेला होली भी आप लोग देख सकते हो, अभी थोड़ा काफी सारा पसीना आ चुका है, जहाँ का व्यू यार, जहाँ का व्यू, ओ माय गॉड। जहाँ पे लिखा हुआ पूरी मतलब पूरा उन्होंने लिखा है, और जहाँ से प्यारा व्यू देखो इधर आके, जहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हो गाइस, कितना प्यारा व्यू है, फूलों मतलब रियल फूल जहाँ पे लगाए हुए हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो अंदर मतलब मेन माता के, माता का मेन भवन है ना जहाँ पे अंदर है ना, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, दर्शन भी करते हैं, साथ में आरती करते हैं ना, वो बिल्कुल वही आरती हो रही है, वो LED में दिखा रहा हूँ, कितना प्यारा फूलों से, कितना ओ वो भी रियल फूल है, ये रियल फूल है, एकदम रियल फूल है। इसकी जो डेकोरेशन इन्होंने लिखा हुआ अलग अलग तरह का, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, जय माता, बनाया फूलों से शिवलिंग बनाया हुआ, तीन चार शिवलिंग ऊपर बनाया ना, ऊपर 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 वाली बिल्डिंग पे ना, स्वास्तिक के साथ में नीचे LED के साथ। हाँ तो चलो थोड़ा उस साइड आगे चलते, फिर आगे से दिखाते हैं, चला। तो अभी आपको थोड़ा पास में जाके थोड़ा व्यू दिखाते हैं, हमने अभी दूर से दिखाया ना थोड़ा आपको, अभी थोड़ा पास में जाते हैं और पास में डेकोरेशन आपको दिखाते हैं पास से होते हुए, क्योंकि दूर से भी दिखाया, दूर से भी काफ़ी अच्छा था, और जहाँ से पहले दिखाता हूँ, जहाँ से फोटोग्राफी भी काफ़ी लोग कर रहे हैं आप लोग देख सकते हो, इस साइड दिखाता हूँ मैं आपको भाई, इधर आ, यू कैन सी जहाँ पे काफ़ी सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे जो रियल फूलों से लिखा हुआ है, माँ लिखा हुआ ना, माँ लिखा हुआ, तो इसलिए लोग जहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। कितनी प्यारी डेकोरेशन है भाई, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है, तू भी बीच में आ जा, लेकिन जल्दी करना थोड़ा, ओके 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 आ जा। अभी दूसरी साइड है जहाँ पे LED वगैरह लगी है ना, वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ पे शिवलिंग भी बनाया और भी कुछ बहुत ही कुछ लिखा है, चला। वहाँ पे देखिए, और जहाँ पे लाइव आती चलती हुई, क्या नजारा है, सिर्फ फूलों ही फूल, जहाँ पे खाली आपको फूल ही दिखेंगे, दीवार कहाँ से दिखाई देगी, खाली हरा भरा कर दिया कलर, ओम भी लिखा हुआ है, मंदिर को पूरा उन्होंने कवर कर दिया, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या यार, इसके अबाउट कुछ बोल नहीं सकते, माई बर्थ आर एम्प्टी, मतलब हमारे मुंह में कोई बर्ड ही नहीं रहा इसके अबाउट बताने के लिए। तो जहाँ तक हमारा ये एक ब्लॉग था, इसके आगे वाला जो भवन में जाएंगे ना माता के दर्शन करने, वहाँ का ब्लॉग एक बनाएंगे पूरे रास्ते का, लेकिन जहाँ पे ब्लॉग को एंड करने से पहले आपको पूरा बता देते हैं, ऊपर देखो माँ भी लिखा हुआ है, माता का नाम बनाया, शिवलिंग बने हुए जो महादेव के, भोले शंकर के हमारे, उनके शिवलिंग बने, एक वहाँ पे बना, एक वहाँ पे, उस समय मतलब चार पाँच, और यार क्या बोलूँ, ओम भी बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है भाई, और भाई पहली बार ऐसे देखा, मैं नवरात्रि है ना, मैं पहले भी आया हूँ जहाँ पे, लेकिन नवरात्रि में पहली बार आया, तो जहाँ पे व्यू देख रहे हैं हमें कुछ अलग ही हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है ना, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ही प्यारा है यार, जन्नत जिसे बोलते हैं। मैंने जो हमें एक जयपुर का भाई मुझे मिला, उसने बताया कि मैं जयपुर से आया हूँ जहाँ पे दर्शन करने के लिए, मम्मी पापा के साथ दर्शन करूँगा, लेकिन उसको मैंने बोला कि अगर आप जन्नत देखना चाहते हो, स्वर्ग में आना चाहते हो, तो नवरात्रि में माता वैष्णो देवी के घर आओ जहाँ पे कटरा में, तो आपको स्वर्ग मिलेगा जहीं पे, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद पूरे जम्मू वाले के सर पर है ना, तभी जम्मू वाले बहुत ही खुश रहते हैं, और सभी दूर दूर से लोग जम्मू में आते हैं, क्योंकि क्या बोलूँ यार, इधर रात हो रहा है, उनको तो 21 तोपों की सलामी, दोनों हाथों से सलाम, से बात है यार, डेकोरेशन इतनी प्यारी है, इधर से देखो जहाँ पे आरती चलती हुई फिलहाल, और भी काफ़ी कुछ, एक सेकंड, और भी जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, उन्होंने हमने ना भाई एक्चुअली तुम्हें पता तो है, वैसे हम लोग काउंटर पे गए थे, वहाँ से पूछा, उन्होंने बोला 24 आवर्स के लिए जहाँ पे बेटिंग चल रही है, बेटिंग के बाद गर्भ जून के लिए जहाँ पे टिकट मिलेगी, क्राउड बहुत देखो ना, काफ़ी सारे है तो, लेकिन जहाँ पे तो क्या बोलो यार, जहाँ पे अंदर जाने का इतना मन कर रहा, लोग फोटोग्राफी करें एक बार फिर से आप।
सिक्योरिटी पूरी है इधर, सुविधा वगैरह मिलते हैं, हर चीज मिलती है इधर। जहाँ पे आके कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, माता रानी के आशीर्वाद से ठंडी नहीं लगेगी। देखो ना लोग ऐसे बैठे बिल्कुल आराम से, वो देखो उस साइड भी देखो काफी, मतलब यार अभी क्या बोलूं यार, अभी भाई क्या बताऊं, इधर इस साइड भी आ बताते हैं, इधर जहाँ पे भी फूलों से लिखा है जय माता दी, वो वही लिखा है कि अर्धकुंवारी है ना, तो उसके अलावा जहाँ पे माता रानी के, यार कसम से बोल रहे हैं, जहाँ फूलों की डेकोरेशन ना हमने पहली बार ऐसी देखी है, तो काफ़ी प्यारी है डेकोरेशन, लगता है अंदर इससे भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्या खूबसूरत के साथ साथ ज़्यादा, ओ माई गॉड। इसलिए वंस अगेन हम यही बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी वाइगर। जहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि हम लोग जन्नत में आ गए हैं, बिल्कुल बहुत ही प्यारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, हम लोग आपको यही दिखाने वाले हैं, बिल्कुल यार क्या बात है। अभी तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है, लेकिन मैं जारी रखूंगा, इसके बाद किसी दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे जाके चार्ज भी कर लेंगे, इवन हमारे बैग में पावर बैंक भी है, वहीं से हम लोग अपने क्या बोलते हैं कैमरे को चार्ज कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे, लेकिन जहाँ पे देखने का मज़ा बहुत ही, और आप लोग हमारा भी वीडियो देख सकते हो जहाँ से, बिल्कुल प्यारा, और क्या बोलूँ यार काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब फोटोग्राफी तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वो देख कितनी लाइट हो रही है यार, इसकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इधर से इधर से पीछे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस साइड से आप मेरा पूरा का पूरा फेस दे सकते हो। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हमारा हुलिया भी कितना गंदा हो चुका है, मतलब ऐसे पसीने के साथ बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, हमारे कपड़े अंदर से काफी गीले हैं, अभी गीले पसीना आ गया, अभी जूते भी गीले हो गए, जूते भी गंदे भी हो गए, आप लोग देख सकते हो, मतलब बहुत ही बुरी हालत होगी। सीढ़ियों से आए लेकिन माता रानी की कृपा से हम लोग जहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी ऊपर ही पहुँचे ना, तो हमें सारी थकान चलेगी बिल्कुल। सो गाइस जहाँ पे अगर आप आओगे ना नवरात्रि में, तो आप जब नीचे से आओगे ना कटरा से, आपको लगेगा ओ माय गॉड हम लोग कहाँ आगे हैं, माता हमें बचा लो, हमें जल्दी ऊपर पहुँचा दो। लेकिन जब आप जहाँ पे पहुँचोगे ना अर्धकुंवारी में, तो जहाँ का व्यू आप लोग पूरा देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग स्वर्ग में आ गए, जन्नत में आ गया, इतना प्यारा व्यू, मतलब धन्य है यार, धन्य है कसम से, जिन्होंने डेकोरेशन किया ना उनको यार क्या बोलूँ, बहुत ही आर्ट ही होती है, आर्ट जिसे बोलते हैं ना कला, वो फूल ही है जी, खाली फूलों का कमाल है, बाकी और कुछ नहीं है जहाँ पे। और ये फूल भी पता नहीं कहाँ कहाँ से फॉरेन से आते हैं, ये फूल बेंगलोर से आते हैं, बेंगलोर से एक बार मैंने पूछा था, बाहर से आते हैं और बेंगलोर से भी आते हैं। तो अभी वेटिंग करने से अच्छा कि हम लोग ऊपर चलते हैं माता रानी के भवन की तरफ, तो वहाँ जाके हम लोग वो कर लेंगे, दर्शन करेंगे, फिर आते समय जहाँ पे दर्शन कर लेंगे अंदर का दिखाएंगे। एक काम करें, मेरा तो मन करता है नौ नवरात्रि होता है, नौ दिन हम लोग जहाँ पे रुकते हैं, घर जाके क्या करना है, घर जाके वही खाना पीना सोना और क्या करना है, इससे अच्छा हम लोग यहीं पे रहते हैं। लेकिन जहाँ भी आप लोगों को देख सकते हो हजारों की तादाद में लोग, हजार अभी तो हजारों से ज्यादा लागू, तो पहले ऊपर देखो पहले वहाँ जाना, वो जहाँ पे लाइटिंग दिखाई दे रही है बिल्कुल स्टार की तरह, तारे की तरह छोटी छोटी है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करते हैं, फिर आगे जाके इसको एंड कर देंगे। वो जो आपको बेटू भवन दिखा दे रहा भाई, उधर आओ उधर आओ उधर आओ जल्दी पे। हाँ, और यहाँ से वंस अगेन यू कैन सी द व्यू वंस अगेन, ओ माय गॉड। अभी रात भी हो चुकी है और आप लोग जहाँ से देख सकते हो, अभी फिर से हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। पहले तो आपको जहाँ का क्या बोलते हैं उधर आपको ऊपर चलते हैं थोड़ा, उसके जहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और आप जहाँ से देख सकते हो, तेरी इसमें देख, इसमें देख, इसमें कैमरे में देख, पूरा का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड जय माता दी, बहुत ही प्यारा, फूलों से ऐसे स्वर्ग बना दिया पूरा का पूरा, बहुत ही अच्छा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये हमारा सेकंड पार्ट था माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने का, हमारा सेकंड पार्ट था कटरे से लेके अर्धकुंवारी तक, और इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे ऊपर माता रानी के भवन में, वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, लगेगी क्यों ना, क्योंकि ये वीडियो है ही बहुत अच्छी। सो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना, ठीक है। और अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा सीधा भवन की तरफ जाएगा, अर्धकुंवारी से लेकर सीधा भवन में, और वहाँ से आप और वहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। आप बने रहिए वीडियो में और जय माता दी लिखते रहिए, ठीक है। जय माता दी वंस अगेन एंड हैप्पी नवरात्रि, ओके।